तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग नॉक्स के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, सैमसंग के डिवाइसेस के अंदर सैमसंग की नॉक्स सिक्योरिटी मिलती है। तो नॉक्स सिक्योरिटी होती क्या है, उसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस आई टेक में। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जैसा कि मैंने बताया, सैमसंग नॉक्स होता क्या है। सैमसंग नॉक्स जो होता है, हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है, जो कि चिप सेट रहती है। चिप सेट मतलब कि चिप्स के अंदर ही इंस्टॉल्ड रहती है और चिप्स के थ्रू ही आपके डिवाइस में या आपके मोबाइल में वो चलती है। तो वो होती है सैमसंग नॉक्स। इसको आप बोल सकते हैं अल्ट्रा सिक्योर मोबाइल सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि आपके डेटा को प्रोटेक्शन करके रखते हैं। और ये मल्टी लेयर होती है, जैसा कि मैंने बताया, मल्टी लेयर सिक्योरिटी होती है। और ये डिज़ाइन बाय सैमसंग के थ्रू इसको डिज़ाइन किया गया है। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही मिलके ये नॉक्स सिक्योरिटी काम करती है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने अपने मोबाइल में सैमसंग नॉक्स को इंस्टॉल कर लिया तो वो वर्क करेगा। नहीं, जब तक कि उस चिपसेट के अंदर उसका हार्डवेयर इंस्टॉल नहीं होगा तो उसका सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेगा। तो दोनों का कंपलसरी होना है, तो जाके वो आपके मोबाइल में वर्क करेगा। तो सैमसंग का जो नॉक्स है करता क्या है, सैमसंग नॉक्स क्या करता है, वेरियस बहुत सारे जो डिफरेंट थ्रेड्स होते हैं या बोल सकते हैं वायरस होते हैं, उससे आपके मोबाइल को प्रोटेक्ट करता है, हार्म होने से बचाता है। तो इसलिए ये यूज़ किया जाता है। तो बहुत हाई लेवल का है, रहता है ये। अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर मतलब अच्छे अच्छे उसमें थ्रेड्स को अच्छे अच्छे थ्रेड्स को वो डिटेक्ट कर लेता है। तो ये कुछ आपको भी एग्जांपल बता रहा हूँ जो कि सैमसंग नॉक्स के थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे कि थेप से बता सकते हैं अपने मोबाइल को, आप अपने डेटा को इनक्रप्टेड रिकप्टेड कर सकते हैं ताकि आपका डेटा कहीं लॉस ना हो। हैकिंग से बचा सकते हैं अपने डिवाइसेस को, लॉस्ट ऑफ डिवाइसेस को बचा सकते हैं और एरर से भी बचा सकते हैं। इस तरीके से कुछ एसको ऐसे से आपको वो मिलते हैं, इसके थ्रू आपने बचा सकते हैं। 10 सैमसंग नॉक्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरस। तो आप इसको इनेबल कैसे करें, जैसा कि मैं आपको बताऊं। अब इसको इनेबल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये सैमसंग नॉक्स इज़ अ बिल्ड इन योर डिवाइस, ये ऑटोमेटिक आपके मोबाइल के अंदर बिल्ड इन होता है। इनेबल ऑटोमेटिक टर्न होता है, ये डिवाइस के अंदर। और ये आपको इसके अंदर आपके पर्सनल डाटा और अपने डिवाइस फोल्डर को ये बचा के रखता है। बात करें सीधे इसको इनेबल कैसे करें, ये ऑटोमेटिक आपके डिवाइस के साथ इंस्टॉल हो जाता है और ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में काम करता रहता है, जो कि आपके डेटा को प्रोटेक्शन करता है। और भी अच्छे से अगर आपको सिक्योरिटी लेना हो तो आप अपने सिक्योर फोल्डर का यूज़ कर सकते हैं। सिक्योर फोल्डर के अंदर जाके आप अपने डेटा को वहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे तो और मोर प्राइवेसी या मोर ज़्यादा इंक्रप्टेड हो जाएगा, ताकि कोई दूसरा उसको एक्सेस ना कर सके। सिक्योर फोल्डर उन्हीं डिवाइस में मिलता है जिनमें सैमसंग नॉक्स सिक्योरिटी आपको मिलती है। सैमसंग नॉक्स के और भी आपको एग्जांपल बता दूं। सैमसंग नॉक्स आपके सैमसंग पासवर्ड में काम करता है, सैमसंग वॉलेट में काम करता है, और भी सैमसंग की हाई लेवल सिक्योरिटी ऐप्स के अंदर वो काम करता है। तो आपको अगर देखना हो कि ये सिक्योर फोल्डर आपको कहाँ मिलेगा, अगर आपको सिक्योर फोल्डर इनेबल करना हो, तो उसके लिए आपको करना क्या है, अपने मोबाइल की जाना है आपको डिवाइस की सेटिंग्स पे। तो सिक्योर फोल्डर को ऑन करने के लिए आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको जाना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाने के बाद आपको नीचे की तरफ जाएंगे, जाना है मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स पे, एंड देन ऊपर आपको सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको क्रिएट करने को बोलेगा, अगर आपने क्रिएट करके रखा होगा तो वो पूरे यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आपको उसके अंदर जाना हो तो आप यहाँ पर डायरेक्टली, जैसा कि मैंने यहाँ पर फोल्डर को ऐड ऑन कर दिया, आप यहाँ पर फोल्डर को देख के उसके अंदर जा सकते हैं। और अच्छे से उसके बारे में सीखना हो, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी, जाके आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो मेन बात, अभी सैमसंग नॉक्स किस किस डिवाइस पर सपोर्ट करता है। तो सैमसंग नॉक्स जो होता है मैन्युफैक्चर के मतलब जब मैन्युफैक्चर करते हैं ना, तभी वो उसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है। तो ये बहुत सारे सैमसंग के डिवाइस में सपोर्ट करता है और बहुत सारी डिवाइस पर सपोर्ट नहीं करता है। जो दिन डिवाइस पर सपोर्ट करता है, जैसे गैलेक्सी की जेड सीरीज, एस सीरीज और ए सीरीज़ में, लगभग ए सीरीज़ में सब में सपोर्ट करता है, और एम सीरीज़, एफ सीरीज़ में रेयर एक आध दो पीस में सपोर्ट करता हो तो करता हो, बाकी उन किसी पीस में सपोर्ट नहीं करता और ना ही वो आप उसको एडिशनली इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको देखना हो कि कौन कौन से डिवाइसेस में सपोर्ट करता है, तो वो भी अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो उसकी लिस्ट में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो कहना है कि ये फ्री होता है क्या, बिल्कुल फ्री होता है सैमसंग नॉक्स, क्योंकि प्री इंस्टॉल होता है इसमें। आपको जैसा कि मैंने बताया कौन कौन सी ऐप्स के अंदर ये बिल्ड इन रहता है, सैमसंग पासवर्ड, सैमसंग वाईफाई, सिक्योर फोल्डर, सैमसंग पे, सैमसंग हेल्थ और फाइंड माय मोबाइल के थ्रू ये वर्किंग करती है और आपके डिवाइस को वो काफ़ी हद तक बचाता है। तो आज की वीडियो बहुत ही सिंपल कॉमन सी वीडियो थी कि सैमसंग नॉक्स होता क्या है। और अगर आपको पता करना है कि आपके मोबाइल में सैमसंग नॉक्स है या नहीं है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ। आपके मोबाइल में अगर सिक्योर फोल्डर चल रहा है तो है, मोबाइल को रीस्टार्ट करते हैं तो नीचे लिखा जाता है सैमसंग नॉक्स। और भी अगर आपको देखना है, अगर आप सैमसंग पास को खोलेंगे
तो भी वो ऑटोमेटिक वहां पर दिखा देता है कि आपके मोबाइल में नॉक्स चल रहा है। जैसे सैमसंग पासवर्ड जैसे आप देखेंगे, जैसे ही आप सैमसंग पास खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा नॉक्स, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पावर बाय नॉक्स आ रहा है। मैं अगर स्क्रीनशॉट ले लूँ तो आपको दिखाऊँ, और जाएंगे तो आपने सेटिंग्स में भी दे सकते हैं, वहाँ पर भी आपको नॉक्स का वर्जन दिख जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने बहुत ही सिंपल सी बनाई है, नॉक्स के बारे में बताया है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।